हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में देखते हैं कि वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एंड तक देखना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। में चलते हैं, ये साइट जहां से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ये जो URL है इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि WBCCI का जो पोर्टल है वहाँ पे एक ऑप्शन है कि लाइक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो अभी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज में आ गया। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स, प्रेजेंट कोर्स ऑफ स्टडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये डालना पड़ेगा। फाइनली पासवर्ड सेट कर लेते हैं। और अभी क्या करना पड़ेगा, फाइनली कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे राइट साइड में नीचे रजिस्टर ऑप्शन है, तो क्लिक ऑन रजिस्टर। यहाँ पे एक चीज़, सपोज़ अगर आधार नंबर है स्टूडेंट का तो आधार नंबर डालना है। अगर सपोज़ आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि डू यू हैव अदर नंबर, ओके क्लिक ऑन नो। और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, 10th का जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। 10th का बोर्ड और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये डिटेल्स देना पड़ेगा। और ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। एंड फाइनली नीड टू क्लिक ऑन रजिस्टर। अभी मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन स्टेप्स में आ गया। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया है वहाँ पे एक OTP जाएगा, तो OTP डालना है। उसके बाद वेरीफाई, क्लिक ऑन वेरीफाई। अभी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा यहाँ पे, देख पा रहे हो। तो ये रजिस्ट्रेशन ID है इसको नोट करके रखना है, और जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चले जाएगा, तो मैसेज। तो अभी फर्स्ट पेज में चलते हैं। वहाँ पे जाके जो स्टूडेंट लॉगिन ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड है स्टूडेंट लॉगिन जो है, वो क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल साइन इन पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड ID है जनरेटेड है तो वो यहाँ पे डालना है, और जो क्रेडेंशियल यूज़ करके यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको दिखाएगा 3 चीज़, पेंडिंग ऑफ स्टेटस, पेंडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्टेटस, फॉर्म पेंडिंग, एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस, वो भी पेंडिंग दिखाएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म बिलअप मतलब वहाँ पे पेरेंट्स नेम, ठीक है, एड्रेस, लेटेस्ट क्वालिफिकेशन और बैंक डिटेल्स, ये आपको देना पड़ेगा। और सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट है वो आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, स्टूडेंट फोटोग्राफी और स्टूडेंट का सिग्नेचर, इसका स्कैन कॉपी वहाँ पर अपलोड करना है। तो अपलोड करके सब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपका जो एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस कंप्लीट दिखाई। तो पेंडिंग जो प्रोसेस था कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा एज डन, और स्टेटस, फाइनल स्टेटस जो है वो दिखाएगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड टू HOI। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आपका भी अगर नहीं हुआ है तो स्टार्ट कर दो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इमीडिएटली कंप्लीट कर दो।